जिसका मुझे था इंतजार। जी दोस्तों, जिसका मैं बेसब्री से इंतजार करता वो घड़ी आ गई है, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग भी बेसब्री से इंतजार करोगे कब कोई अपनी रिवॉल्ट बाइक में अपग्रेड कराए, और क्या क्या अपग्रेड होने के बाद चेंजेस आते हैं गाड़ी में वो बताए, और कैसे एप्लीकेशन चल रही है और कैसे वर्क कर रही है वो सब आपको बेसब्री से इंतजार था देखने का। तो सो तो फाइनली वो घड़ी आ गई है, क्योंकि आपके भाई ने अपनी गाड़ी में जो नया अपग्रेड है वो करवा लिया है, और जो इसकी एप्लीकेशन है वो भी एक्टिवेट हो चुकी है, क्योंकि जब मैं शोरूम गया था तब वहाँ पर एक्टिवेट नहीं हुआ था, केवल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ था। यदि आप देखना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल होती है, तो मैंने शोरूम पर जाकर वीडियो बनाई है, आप आई बटन में लिंक है, जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमको इस वीडियो बताने वाले हैं अपनी इस रिवॉल्ट बाइक में जो भी नए फीचर ऐड हुए हैं वो कैसे काम करते हैं और क्या क्या फंक्शन ऐड हुए हैं, वो सब आपको फुल डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ कि आप जब भी रिवॉल्ट अपग्रेड कराएंगे तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें नई देखने को मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ें नई नई चीज़ें पता होने वाली हैं इस रिवॉल्ट बाइक के बारे में। यह दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब इसका कोई अपग्रेड आएगा, तो फाइनली दोस्तों अपग्रेड हो चुकी है मेरी गाड़ी। तो चलिए बिना देर किए हम आपको ले चलते हैं अपने रिवॉल्ट ऐप पर। उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि यार आप लोग लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ, तो इसलिए एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले, इसलिए आप इसको बेफिक्र होकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो ये लाल बटन दिख रहा है आप इसको टैप कर दीजिए, और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसको आपकी जानकारी मिल सके कि सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जल्दी से अपना एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं रिवॉल्ट, और दिखाते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें नई आई हैं और क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। तो जैसे हम ये ओपन करेंगे, तो अभी ओपन हो रहा है, तो दोस्तों हमारा ये ओपन हो चुका है और हमारा रिवॉल्ट कनेक्ट हो चुका है। चेंजेस की बात करें तो आपको यहाँ पर ब्लूटूथ ऑप्शन मिल जाता है अपग्रेड होने के बाद, जो कि आपका दिखाता है कनेक्ट है या नहीं है। ये आपका सिग्नल दिखाएगा GPS, जो कि अभी अवेलेबल नहीं दिखा रहा है, अभी आ जाएगा। और यहाँ पे परसेंटेज वगैरह जो पहले था वैसे तो दिखाता है, और ये भी आपका पहले से ही साउंड था, साउंड चेंज करने का, और जियो फेंस तो ये पुराना ही वाला है, और यहाँ से बिल्कुल आया है न्यू, जो आपका वॉइस असिस्ट है और रिवॉल्ट की है, और नीचे स्वाइप टू स्टार्ट जो सबका फेवरेट है। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉइस असिस्ट की, चलिए इसको दिखाते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट रिवॉल्ट, तो जैसे बोलेंगे तो यहाँ पर ये रिकनाइज कर लेगा स्टार्ट रिवॉल्ट। दोस्तों एंड्रॉयड में थोड़ा सा ये स्लो वर्क करता है, iOS में बहुत अच्छे से काम कर रहा था, मैंने इससे चलाया था, तो अभी मैं उससे वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए मैंने इसमें इसको इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन अभी तक सुना नहीं। चलिए दोबारा से करते हैं स्टार्ट माय रिवॉल्ट। तो ये अभी तक नहीं सुन पा रहा है। लोकेट माय रिवॉल्ट, तो ये अभी इसमें फीचर ये काम नहीं कर रहा है। iOS में बहुत अच्छे से काम कर रहा था, अभी आपको वो भी दिखा देंगे iOS में फ़िलहाल। और इधर आते हैं की रिमोट में आते हैं, तो की रिमोट बात करें तो आपको वर्चुअल की मिल जाएगी, इसको यहाँ से लॉक कर लेंगे, अभी हमारी गाड़ी ऑलरेडी लॉक है, यहाँ से अनलॉक कर लेंगे। लेकिन इस पर कुछ भी आवाज़ नहीं आती है, ये बहुत ख़राब चीज़ है। जैसे आप रिमोट में करते हैं तो बीप की साउंड आती है, लेकिन मोबाइल से करेंगे तो कोई भी साउंड नहीं आएगी। चलिए हम इसको ऑन करके दिखाते हैं। तो जैसे हमने ये ऑन किया, हमारी गाड़ी ऑन हो गई है, लेकिन कोई भी साउंड इसकी नहीं आएगी, ये बहुत ख़राब चीज़ है इसमें। हमने चलिए एक बार फिर से आपको ऑन करके दिखाते हैं। तो दोस्तों हमारी गाड़ी है ऑन हो गई है, और ऑफ़ करके दिखा देते हैं, तो हमारी गाड़ी ऑफ़ हो गई है। और ये लोकेट का भी दिखा देते हैं आपको, तो हमारी गाड़ी ये लोकेट भी कर रहा है, यानी कि पूरे आपका जो रिमोट जो है काम कर रहा है। और बात करते हैं इसमें स्वाइप टू स्टार्ट फीचर की, चलिए वो भी दिखा देते हैं, जो जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। तो ये मैंने किया और हमारी गाड़ी जो है वह स्टार्ट हो गई है।
और यहीं से इसको ऑफ भी कर सकते हैं। ये हमारी गाड़ी ऑफ हो गई। और वॉइस असिस्टेंट की बात करें तो दोस्तों इस पर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। iOS पे बहुत अच्छे से कर रहा था, एंड्रॉयड पर नहीं कर रहा है। चलिए एक बार और ट्राई कर लेते हैं। स्टार्ट माई रिवोल्ट। ये सुन नहीं पा रहा है, पता नहीं क्यों नहीं सुन पा रहा है। ये स्टार्ट माई रिवोल्ट। तो दोस्तों इस पे ये काम नहीं कर रहा है। अभी आपको हम iOS पे दिखाते हैं, उस पे पता चल जाएगा कि कैसे काम कर रहा है। तो दोस्तों अभी आपने एंड्रॉयड में देख लिया कि कैसे वर्क कर रहा था, चलिए आपको दिखाते हैं अब iOS में ये कैसे वर्क करता है। एंड्रॉयड में आपका वॉइस असिस्ट वाला काम नहीं कर रहा था, चलिए अब इस पर आपको ओपन करके दिखाते हैं। तो पहले इसको एक बार हम बंद कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा रिवोल्ट कनेक्ट हो चुका है। सारा फंक्शन आपको सिमिलर ही दिखेगा, कुछ भी अंतर नहीं है। और इसमें एप्लीकेशन एंड्रॉयड से अच्छे से वर्क करती है, जितना एंड्रॉयड में नहीं करती है उतना iOS में बढ़िया से वर्क करती है। अभी आपको दिखाते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। स्टार्ट माई रिवोल्ट। देखो दोस्तों इसमें आप तो तुरंत इसने कैच कर लिया और हमारी रिवोल्ट स्टार्ट हो गई है। ऑफ माय रिवोल्ट। टर्निंग ऑफ द रिवोल्ट। हैप्पी टू सर्व यू अगेन। तो देखा आपने कि iOS में बहुत अच्छे से ये वर्क कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन एंड्रॉयड में करते हैं तो ये फीचर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। इनफैक्ट इसको ले ही नहीं रहा है, स्पीच वो ले नहीं पा रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन ये इसमें बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। और रिमोट आपको दिखाते हैं, इस iOS में रिमोट कैसे मिलता है। तो ये भी स्टंट ले लेता है। हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, चलिए इसको यहाँ से बंद भी कर देते हैं। तो बंद भी हो गई है, आपको लोकेट करके दिखा देते हैं। तो देख पा रहे हैं कि लोकेशन के लिए भी ये एक्टिवेट हो गया है। चलिए इसको बंद कर देते हैं। तो हमारी गाड़ी है ऑफ हो गई है। iOS में बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है ये एप्लीकेशन। अभी इसमें और भी टेस्ट करेंगे, ये तो अभी एक केवल डेमो था आप लोगों को बताने के लिए। तो दोस्तों आपने एप्लीकेशन देख ही लिया है, अभी तो ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। अभी तो इसको एक दो दिन हुआ है, अभी मैं इसको काफ़ी अच्छे से रगड़ के यूज़ करूँगा, फिर आपको बताऊँगा क्या ये एक्चुअल में यूज़फुल मनी है या नहीं है। दोस्तों इस अपग्रेड में मुझे बाकी कुछ अच्छा लगा हो या ना अच्छा लगा हो, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है, चलिए आपको दिखाते हैं फिर बताते हैं। वो है दोस्तों इसका अनलॉक फीचर। यह दोस्तों जब इसको अनलॉक करते हैं, इसको मैं एक बार स्टार्ट कर लेता हूं। और हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अब कभी भी आप यहां से जब इसको बंद कर देते थे तो अब आपको क्या करना पड़ता था, आपको अपने इस रिमोट का यूज़ करना पड़ता था इसको अनलॉक करने के लिए, या फिर आप डायरेक्ट यहां से इसको ऑन करने के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको यहाँ पर एक फीचर मिल गया है, जो यहाँ पर लाइट है ब्लिंक करती रहेगी, जब तक ये ब्लिंक करती रहेगी तब तक आप इसको दोबारा से यहीं से ही इसको ऑन कर सकते हैं। जो कि मुझे ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी, क्योंकि ये मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करता था, जब भी मैं कहीं गाड़ी को बंद करता था तो मुझे दोबारा चाबी निकालनी पड़ती थी, फिर आपको इसको ऑन करो, या तो यहाँ से अनलॉक करो या तो यहाँ डायरेक्ट ऑन करो, वो करना पड़ता था, तब ये गाड़ी हमारी ऑन होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप यहीं से इसको ऑफ कर सकते हैं और बिना चाबी के ही यहीं पर ऑन कर सकते हैं। ये आपका कुछ सेकंड के लिए होने वाला है, यानी कि आप 15 से 30 सेकंड मान सकते हैं या उससे कम, अभी मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाँ ये है कि आपका ये फीचर बहुत अच्छे से काम करता है, और मुझे पर्सनली ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है इस गाड़ी में अपग्रेड के बाद। ये आपका बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुझे ये काफ़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि मैं कभी भी कहीं खड़ी करता था मैंने इसको बंद कर दिया और फिर आप वहाँ से इसको लॉक नहीं कर सकते थे, फिर आप जेब से चाबी निकालो फिर इसको ऑन करो, तो ये काफ़ी दिक्कत लगती थी। लेकिन अब मुझे ये इस अपग्रेड में मुझे पर्सनली ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आपको यहीं से ही इसको ऑन कर सकते हैं कुछ देर तक की। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से इसके फीचर्स थे जो कि मैंने आपको अभी तक एक्सप्लेन कर दिया है, और उम्मीद करता हूँ सारे इसमें जो भी फीचर्स थे वो मैंने कवर कर दिया है। यदि कोई छूट जाता है तो मैं अभी इसके लिए और भी आगे वीडियो लाने वाला हूँ इसके फीचर्स के बारे में, तो उसमें मैं कवर करता जाऊँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो और जो रिवोल्ट की अपग्रेड है वो पसंद आई होगी।
यदि पसंद आई हो उसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए तो वीडियो को करते हैं एकदम, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।